अध्यक्षता में बैठक हुई और वही बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। वही बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए, जिसमें 11 प्रस्तावों को मोहर लगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट के अहम फैसले। रोकड़ कार्यकलापों हेतु उत्तराखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली बनाई गई। भारत सरकार की नियमावली का नियम 25 के आधार पर राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है। गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली बनाई गई। की अध्यक्षता में बनाई गई उप समिति के आधार पर बनाई गई नियमावली में कारपेट में झिरना ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख परिवार रुपए एवं सामुदायिक कार्य के लिए सामूहिक रूप से प्रत्येक परिवार के लिए 1 एकड़ के आधार पर 57 एकड़ की भूमि। उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन। पेट्रोल डीजल पर सेस के संबंध में पेट्रोल पर 2.5 रुपए एवं डीजल पर 1 रुपए महंगा। भारत सरकार के जीएसटी में हुए 5 संशोधन को राज्य सरकार में विधानमंडल की अनुमति के बाद स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड सचिवालय विनियमितीकरण नियमावली में संशोधन करते विभिन्न निगमों कार्यालयों के 91 कार्मिकों को सचिवालय संवर्ग के लिए स्वीकार किया जाएगा। चमोली गैरसैंण में गैरसैंण तहसील के आदि बदरी सिलबाटा पंचाली महाचौरी पटवारी क्षेत्र के 27 ग्राम से भूमि क्रय का प्रतिबंध। उत्तराखंड भवन निर्माण विकास निधि विनियम 2011 में संशोधन। महायोजना के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत नागरिक द्वारा दी गई भूमि के अनुपात में राज्य सरकार भवनों के ऊपरी तल के विस्तार की अनुमति देगी। एनएच में जिनकी भूमि अवैध मानी गई थी, यदि वे 12 वर्ष का अपना रिकॉर्ड जमा करा देते हैं तो उनके भवन का मुआवजा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक सेवा नियमावली 2012 में शिक्षा मित्र की पात्रता के संबंध में संशोधन किया जाएगा। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पेट्रोल 2.5 रुपए महंगा हुआ, वहीं डीजल का दाम 1 रुपए बढ़ा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल में छूट भी वापस ले ली है। इसके अलावा कैबिनेट में 11 अहम फैसले भी सरकार ने लिए हैं। के न्यूज के लिए देहरादून से पवन दीक्षित की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।